गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नहीं 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 नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। एक छोटा सा क्लू देती हूँ, गेस करिएगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोग कर लेंगे, इनफैक्ट सारे कर लेंगे। आप जो मेकअप ट्यूटोरियल्स देखते हैं उनमें फाउंडेशन से पहले एक चीज अप्लाई करी जाती है मेकअप को काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। गेस करिए, 5 4 3 2 1, यू आर राइट। मैं बात कर रही हूँ प्राइमर की। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइमर क्या है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन टाइप्स में आता है, कौन सी स्किन टाइप के लिए किस टाइप का प्राइमर जरूरी है, क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या शेड्स में आता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं स्किन केयर जिनको आप एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं आपका मेकअप को लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि प्राइमर को कैसे अप्लाई करना चाहिए, टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय गॉड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल बटन को, ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिस ना करें और आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे वीडियोस जब भी आए। फाइनली हम बात कर लेते हैं कि प्राइमर है क्या। एक बहुत ही बेसिक सा उदाहरण देती हूँ, गुड एग्जाम्पल। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने आपके घर को पेंट होते हुए देखा होगा। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, दिवाली आ रही है, पक्का देखोगे। जो हमारी दीवार बन के रेडी होती है वो बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो कि होता है कलर ऑफ वाइट। जब हम उस पर पेंट करवाते हैं, लाल पीला नीला जैसा भी, उससे पहले जो हमारे पेंटर बाबू होते हैं वो उस पर लगाते हैं एक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं हम प्राइमर। प्राइमर का काम यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है, एक तो वो जो हम कलर लगाएंगे उसकी ड्यूरेशन काफी अच्छी हो, और दूसरा जो हम कलर लगाने वाले हैं उससे जो कोई नुकसान हो रहा है वो हमारी दीवार तक ना पहुंचे। मेकअप के केस में भी प्राइमर का यही काम है। एक तो वो हमारे फाउंडेशन जो हमारा मेकअप होता है उसको लॉन्ग लास्ट बनाने में हेल्प करता है, दूसरी चीज ये हमारे स्किन और हमारे मेकअप के बीच में एक बैरियर बना देता है जिससे हमारी स्किन को कोई डैमेज ना हो। क्या काम करता है प्राइमर, अप्लाई करने से हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो काफी अच्छे से फिल इन हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। जो हमारे आंखों के आसपास फाइन लाइंस होती हैं उनको काफी अच्छे से फिल इन कर देता है। तीसरा, जो हल्के फुल्के डार्क स्पॉट्स के जो हमारे यहाँ पे दाग वगैरह रह जाते हैं उनको भी काफी अच्छे से हाइड करता है, काफी अच्छे से ब्लर करता है। प्राइमर के एप्लीकेशन के फायदों पर भी नजर डाल देते हैं। एक तो वो हमारे फेस को काफी अच्छा बेस बना देता है, कैनवस बना देता है, जिससे हमारा जो बेस मेकअप है वो काफी स्मूथ और फ्लॉलेस दिखता है। दूसरा, ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, डिपेंड करता है कौन सा प्राइमर यूज कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप प्राइमर अप्लाई करेंगे तो आप गौर कीजिएगा, आपको फाउंडेशन की भी थोड़ी बहुत अराउंड 10 से 15% कम फाउंडेशन की क्वांटिटी की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी स्किन पे काफी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। प्राइमर्स के टाइप पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक्चुअली बहुत सारे तादाद में प्राइमर्स मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उन प्राइमर्स की जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, चलन में हैं, फेमस हैं। सबसे टॉप पे आता है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, नेक्स्ट आता है जेल या फिर वाटर बेस्ड प्राइमर, थर्ड नंबर पे आते हैं क्रीम या फिर टिंटेड प्राइमर। यहाँ पे है मेरे पास कुछ एक अफोर्डेबल प्राइमर्स के ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये सारे के सारे प्राइमर्स आपको मिल जाएंगे एट द मेकअप पॉइंट, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है वाला मेकअप हॉल तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कि कौन सा प्राइमर कौन सी स्किन टाइप के लिए बेस्ट सूटेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन टाइप की। यहाँ पे है मेरे पास दो ऑप्शन। सबसे पहले है स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर, ये काफी अच्छा मैटिफाइंग लुक देता है। नेक्स्ट है मेरे पास मालियो का इनफॉलिबल प्राइमर। ये दोनों ही सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, दोनों ही अफोर्डेबल है और बेस्ट सूटेबल है ऑयली स्किन टाइप के लिए। अगर हम बात करें ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन टाइप की, तो मैं आपको जरा भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, क्योंकि वो आपके पोर्स में काफी अच्छे से फिल इन हो सकते हैं, आपके पोर्स को क्लॉक कर सकते हैं और फर्दर आपको ब्रेकआउट की समस्या हो सकती है। आपको इंस्टेंट जाना चाहिए वॉटर या फिर जेल बेस्ड प्राइमर्स की तरफ। यहाँ पे है मेरे पास अफोर्डेबल ऑप्शन में मार्स का फेसफिनिटी प्राइमर, ये जेल बेस्ड प्राइमर है, काफी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन की तरह ही अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपके लिए जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड प्राइमर है वो काफी बेस्ट सूटेबल है। अगर बात करें ड्राई स्किन टाइप की, तो आपको जाना चाहिए जो क्रीम बेस्ड जो हाइड्रेशन वाले प्राइमर्स होते हैं उनकी तरह। अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपके घर में भी मौजूद हों जिनको आप एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले आता है एलोवेरा जेल। ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये काफी अफोर्डेबल है, 60-70 रुपीस का आपको मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा काम करता है एज अ प्राइमर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लिसरीन की, हम सब जानते हैं ग्लिसरीन के स्किन बेनिफिट्स और कितने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन स्किन बेनिफिट्स के अलावा भी ये बहुत अच्छा काम करता है एज अ प्राइमर। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, काफी सेफ टू यूज भी है।
चलिए फाइनली देख लेते हैं प्राइमर को अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे हम कम से कम प्राइमर की क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोग इसे एज अ मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कुछ लोग एज अ लोशन लगाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या है सही तरीका। प्राइमर के एप्लीकेशन से पहले बहुत ही जरूरी स्टेप जो कि है हमारी स्किन को फर्दर क्लीन करना। हमारी स्किन को फर्दर क्लीन करने से मेरा मतलब ये है कि आपका जो स्किन केयर रूटीन है जो कि है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन, वो तो आप एनीवेज करते ही हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मेकअप करने से पहले आपको ये वाली चीजें करनी पड़े। स्टेप को करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रोज वाटर और ये है कॉटन पैड। और अगर आपने CTM के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक उसका आई बटन पे दे दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा रोज वाटर और इसको अच्छे से डैब डैब करके अपने स्किन पे लगा लूंगी। सो जब भी हम स्टेप करते हैं इससे हमारी जो फेस की जो एक्सटर्नल डर्ट होती है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो काफी अच्छे से निकल जाती हैं। अपने नेक को भी क्लीन करिए। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यूज किया है स्विस ब्यूटी का प्राइमर जो कि ऑयल फ्री फॉर्मूला है, काफी मैटिफाइंग लुक देता है और हमारे फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। देखा जाए तो काफी अफोर्डेबल भी। मैंने यहाँ पे यूज करी है थोड़ी सी क्वांटिटी, इतनी सी वुड बी मोर देन इनफ। इसको अच्छे से आपकी फिंगर की हेल्प से आपके जो पोर्स होते हैं जहां पे वहां पे अप्लाई कर लीजिए। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है सो इसको फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लीजिए एंड देन इसको स्प्रेड कर दीजिए। सबसे ज्यादा जो पोर्स विजिबल होते हैं वो होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप प्राइमर को काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर एरिया में लगाएं ताकि जो आपके पोर्स हो वो फिल इन हो जाएं और आपका जो बेस हो वो काफी फ्लॉलेस हो। 2 से 3 मिनट वेट कर लीजिए और उसके बाद में यू कैन गो अहेड विद एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन और कंसीलर। इस्तेमाल क्यों करा जाना चाहिए, क्या क्या टाइप्स में आता है, क्या कलर्स में आता है, कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्राइमर बेस्ट है। एंड आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि मुझे बड़ा मजेदार लगा। अगर आपको भी मजा आया इस वीडियो को देखने में, आपको करना है इस वीडियो को लाइक। मेरे चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल बटन को ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस के बारे में नोटिफाइड रह सकें और आपको हमेशा मेरी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आई शैल सी यू सुपर सुपर सून विद माय न्यू वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय।